सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हां फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के अंदर अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं, यानी कि बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं, तो उस पे आपका कितना टैक्स जो है वो कट जाता है अंडर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसको लेकर के काफी ज्यादा सवाल जो है लोगों के पूछे जाते हैं। तो आपको इसके लिए चेक करना पड़ेगा सेक्शन 194N, जिसके अंदर ये चीजें बताई गई हैं कि आपके ऊपर TDS की लाइबिलिटी किस तरीके से बनेगी। आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। वेबसाइट पे जाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन आपको दिया गया है TDS ऑन कैश विड्रॉल। इसमें आपके पैन पे डिटेल्स जो है वो अवेलेबल करवाई जाती हैं इन शॉर्ट, लेकिन आपको इन डिटेल्स समझना होगा कि कब कितना किसके ऊपर TDS कटेगा। यहां पर सेक्शन 194N जो है वो बात करता है पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट्स इन कैश, यानी कि ये जो सेक्शन है, ये जो TDS है, ये सिर्फ कटेगा पेमेंट्स के ऊपर जो कि कैश में करी जाती हैं। किनके द्वारा? एवरी पर्सन, हर एक वो पर्सन जो कि एक बैंकिंग कंपनी है या एक कोऑपरेटिव बैंक है या फिर एक पोस्ट ऑफिस है, यानी कि ये सेक्शन लगता है बैंकों के ऊपर। डिडक्टर है कौन? बैंक। अगर आपका खाता किसी बैंक अकाउंट में है और उस बैंक अकाउंट से आपने कैश विड्रॉल किया, इसका मतलब आपने बैंक से पैसा निकाला, बैंक ने आपको पेमेंट करा है इन कैश, यहां पर आपकी ये सेक्शन जो है वो लागू होती है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम, बैंक जो कि रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट के लिए कोई भी सम, बीइंग द अमाउंट और द एग्रीगेट ऑफ अमाउंट्स, एक अमाउंट हो या बहुत सारे अमाउंट को इकट्ठा करके एग्रीगेट करके है, एज द केस मे बी, इन कैश, अगर आपको बैंक ने पेमेंट किया है इन कैश, चाहे वो एक बार में या एग्रीगेट करके, तो क्या होगा? एक्सीडिंग 1 crore rupees ड्यूरिंग द ईयर। तो बैंक आपको पेमेंट करेगा, क्या मतलब कि आपने कैश जो है वो बैंक से विड्रॉ किया है 1 crore rupees से ऊपर, टू एनी पर्सन। अब यहां पर चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, कोई भी एंटिटी हो सकती है, किसी ने भी 1 crore rupees से ऊपर का कैश विड्रॉ किया है फ्रॉम वन और मोर अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय द रिसिपिएंट विद इट। हो सकता है आपने मल्टीपल अकाउंट्स रखे हैं और आपने जो 1 crore का अमाउंट है वो मल्टीपल अकाउंट्स के थ्रू विड्रॉ किया है, तो सारे अकाउंटों का जो टोटल विड्रॉल है वो जोड़ करके चेक किया जाएगा कि 1 crore से ऊपर अगर चला गया तो 1 crore से ऊपर जो अमाउंट है वो आपको 2% DDS काट करके जो है वो दिया जाएगा। तो यहां जैसे ही 1 crore rupees का अमाउंट क्रॉस कर जाए कैश विड्रॉल का, आप ये समझ जाइए कि उसके ऊपर 2% का TDS जो है वो कटने वाला है। तो सबसे पहली लिमिट तो हो गई 1 crore के ऊपर का कैश विड्रॉल जो होगा उस पे 2% TDS कटेगा। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं। इन केस ऑफ अ रिसिपिएंट, अगर जिसका TDS कटा है, अगर वो रिसिपिएंट ऐसा है जिसने की रिटर्न्स ऑफ इनकम अपने पिछले 3 assessment years की नहीं फाइल करी है, यानी कि आप अगर कैश विड्रॉ करते हैं और आपने अपने पिछले 3 assessment year की ITR भी फाइल नहीं करा है, जिसके लिए सेक्शन 139(1) का ड्यू डेट जो है वो एक्सपायर हो चुका है, तो आपके ऊपर जो TDS की लाइबिलिटी आएगी वो अलग तरीके से आएगी। अगर आपने रिटर्न वगैरह सारी चीजें फाइल करी हुई हैं और 1 crore से ऊपर का विड्रॉल है, तब आपका 2% कटेगा, लेकिन आपने ITR भी नहीं फाइल करी, तब यहां पर 1 crore की लिमिट भी चेक नहीं करी जाएगी। इसके लिए इंपॉर्टेंट है आपको अपनी रिटर्न्स ड्यू डेट से पहले फाइल कर देना। ड्यू डेट को लेकर के आपको कोई भी कंफ्यूजन रहता है या GST और इनकम टैक्स से रिलेटेड मंथली अपडेट्स के लिए आपको मैगजीन के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके सब्सक्रिप्शन डिटेल्स ले लेना है, जिसके लिए आपको मई एडिशन का ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करी गई।
तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं मैगजीन के लिए तो इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो अब यहां अगर आपका रिटर्न नहीं फाइल हुआ है और रिटर्न फाइलिंग की डेट भी निकल चुकी है पिछले 3 असेसमेंट ईयर के लिए, तो ये जो सेक्शन है ये प्रोविजन कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ लगेगा। और वो मॉडिफिकेशंस क्या, द सम शैल बी द अमाउंट और द एग्रीगेट ऑफ अमाउंट्स इन कैश एक्सीडिंग 20 लाख रुपीज। रिटर्न नहीं फाइल हुई 3 साल तक तो वो 1 करोड़ का जो लिमिट था वो घट के सीधा हो जाएगा 20 लाख, यानी कि 20 लाख का कैश विड्रॉ आपका टीडीएस कट जाएगा। और एंड द डिडक्शन शैल बी एन अमाउंट इक्वल टू 2%, यानी कि 3 साल की रिटर्न नहीं फाइल हुई तो आपका जो टीडीएस कटेगा वो कटेगा 2% 20 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक के विड्रॉल पे। और आपने रिटर्न भी नहीं फाइल करी है और 1 करोड़ से ऊपर का विड्रॉल कर लिया है तो 2% की बजाय 5% का टीडीएस जो है वो कट जाएगा। तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए 1 करोड़ से ऊपर और 3 साल की ITR जो है वो फाइल्ड है तो 2%, आपकी 3 साल की ITR फाइल्ड नहीं है तो आपके लिए 20 लाख लिमिट हो जाएगा 2% टीडीएस पे। और जैसे ही ये 20 लाख का अमाउंट 1 करोड़ को पार करेगा वो 5% की स्लैब में आप आ जाएंगे क्योंकि आपने रिटर्न नहीं फाइल करी है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये 2% और 5% का जो टीडीएस है वो आपके बैंक अकाउंट से सीधा डिडक्ट हो जाएगा और आपको कैश का अमाउंट जो है वो कम करके इन हैंड दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, काफी क्वेरीज रहती हैं इस सेक्शन को, इसीलिए आज डिटेल्स में आपको बताया गया है। अगर आपको ऐसे ही किसी स्पेसिफिक टॉपिक के रिक्वायरमेंट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोस की रिक्वायरमेंट है, जीएसटी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, हमारी टीम उसका एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो जरूर लेकर के आएगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि इनकम टैक्स के अंदर टीडीएस का जो है वो किस तरीके से डिडक्शन होता है कैश विड्रॉल के ऊपर। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।